गर्मियों में आपकी स्किन भी रूखी सूखी काली बेजान हो जाती है, आपकी स्किन पे मैल जम जाती है, मैल की परत जम जाती है, एक काली सी परत जम जाती है, जो कि आप धूप में घूमते हैं बाहर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा है, उससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा काली सांवली पड़ चुकी है, स्किन की चमक हो चुके हैं। एक नेचुरल वे चाहते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट भी करे और आपकी स्किन पे एक चमक आ जाए, जो कि महंगे से महंगे फेशियल करवाने के बाद आती है या ब्लीच करवाने के बाद आती है। पर आज मैं आपको एक नेचुरल फेस पैक बताने वाली हूँ जो कि आपकी स्किन से सन टैन को हटाएगा, आपकी स्किन को पॉलिश करेगा, आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच का भी काम करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग भी बनाएगा। तो देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजें की आवश्यकता होगी। बहुत ही आसान है और घर पे हर किसी की चीजें अवेलेबल होती हैं। सिर्फ 3 से 4 चीजों से ही आप पा सकते हैं पार्लर के फेशियल और ब्लीच जैसा बहुत ही अच्छा निखार और अपनी स्किन को डी टैन यानी कि अपनी स्किन से टैनिंग को भी हटा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे महंगे महंगे डी टैन मास्क अवेलेबल है जो कि 500 से 1000 रुपए के हैं गाइस, और बहुत सारे लोगों के लिए वो अफोर्डेबल नहीं है और उसमें भर भर के केमिकल होते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हार्म भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो एक लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। हमें लेना है यहाँ पे एक साफ बाउल जिसमें हम ये रेमेडी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पहला हमारा इंग्रेडिएंट है फ्रेंड्स, वो है कॉफी पाउडर। कॉफी पाउडर हमारे घर में होती ही है। कॉफी में यहाँ पे नेस्कैफे की यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास जार है, बड़ा वाला जार है। अगर आपके पास 10 रुपए का आता है मार्केट से, आप ले 2 रुपए का भी आता है जो एक टाइम के लिए सफिशियंट है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रू कॉफी आती है और भी नेस्कैफे, बट वो मिक्स और बारीक कॉफी हो। दोस्तों आजकल कॉफी का बहुत सारे ब्यूटी ब्रांड्स प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसके गुण ही इतने होते हैं। कॉफी हमारी स्किन को बेहतर एक्सफोलिएट यानी कि हमारी स्किन को अच्छे से पॉलिश करती है, जिससे कि जितनी भी जमी हुई मैल मिट्टी काली परत है उसे हटाती है और नीचे जो काली परत के नीचे फ्रेश स्किन है, ग्लोइंग स्किन है, जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट लगती है, वो उभर के आती है। हम जब वो चीज जो बिल्कुल भी काली परत है उसे हटा देते हैं तो उसको हटाने का काम करती है कॉफी। अगला, ये हमारी स्किन को ब्राइटन भी करती है, इंस्टेंट ग्लो देती है आपकी स्किन को, मतलब एक ही बारी में आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट और चमकदार भी बनाती है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के ही कॉफी पाउडर। अगला जो हमारा इंग्रीडियंट है वो है बेसन। जी हाँ, बेसन हम सभी को जानते हैं, बेसन भी एक हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है और हमारी स्किन की डीपली क्लीनिंग करता है, मतलब गहराई से सफाई करता है हमारी स्किन को अच्छे से, हमारे पोर्स को अच्छे से, हमारे जो रोम छिद्र हैं स्किन के उसमें जितनी भी गंदगी धूल मिट्टी है उसे अच्छे से साफ करता है, जिससे कि हमारी स्किन नेचुरली ग्लो करती है। जब आप किसी गंदे कपड़े को साफ करते हैं अच्छे से तो एकदम से साफ हो जाता है, ऐसी सेम जब हम अपनी स्किन से काली परत को हटाते हैं, धूल मिट्टी गंदगी जो कि अंदर की बिल्कुल अंदर की तरफ जम चुकी है उसे हटाते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, तो क्या होता है हमारा जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्शन है वो उभर के बाहर आता है। तो 1 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ बेसन यानी कि चिकपी फ्लावर। अगर आप बेसन नहीं यूज करना चाहते या बेसन आपको सूट नहीं करता तो आप इसमें गेहूं का आटा यानी कि जिसकी हम रोटी खाते हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 चम्मच में इसमें डाल रही हूँ बेसन में डाल रही हूँ और इसका जो अल्टरनेटिव है वो है गेहूं का आटा। अगला जो दोस्तों हमारा इंग्रेडिएंट है वो है हमारा कर्ड यानी कि दही। दही में होता है लैक्टिक एसिड जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन से फाइन लाइंस रिंकल्स को दूर कर स्किन को ब्राइटन अप करता है, स्किन को बहुत बेहतरीन हाइड्रेशन देता है जिससे कि हमारी स्किन पे समय से पहले फाइन लाइंस बारीक लाइंस से झुर्रियां नहीं आती, स्किन को टाइटन अप भी करता है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के ही घर के जमाई हुई दही। अगला जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है टमाटो जूस। टमाटर में होता है लाइकोपीन एसिड, ये एक बेहतर एक्सफोलिएंट का काम करता है, एक नेचुरल इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे पोर्स को श्रिंक करता है, जो हमारे ओपन छिद्र होते हैं, जो खुले रोम छिद्र है उसे बहुत अच्छे से क्लीन करता है, स्किन पे जितनी भी टैनिंग कालापन है काली परत जम चुकी है उसे दूर करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैंने एक टमाटो लिया है, उसको अच्छे से कट कर लिया है बीच में से और उसको अच्छे से स्क्वीज यानी कि निचोड़ते हुए मैं इसका सारा रस कम से कम 1 से 2 बड़े चम्मच मैं इसमें टमाटर का रस डालूंगी। बहुत सारे लोगों को लेमन जूस सूट नहीं करता तो आप लेमन जूस
भी डाल मतलब जिनको सूट करता है वो इसमें लेमन जूस के कुछ 4 से 5 बूंदे डाल सकते हैं। फिलहाल मैंने नहीं डाला, पर अगर आपको सूट करता है तो 4 से 5 बूंदे इसमें और भी आप इसमें डाल सकते हैं। और सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, ये हमारा बढ़िया सा पैक बन जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस तरीके का आपका पैक रेडी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजीली बन जाता है। और आप इसे बना के आराम से 2 से 3 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसको लगाने का तरीका क्या है। लगाने से पहले आपके चेहरे पे किसी प्रकार का मेकअप या किसी प्रकार का आपके चेहरे पे कुछ पसीना डर्ट नहीं होना चाहिए। अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर ले फेस वॉश से या कच्चे दूध से, जो भी आप अपने रेगुलर क्लेंजर यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे मोटा मोटा अपने पूरे चेहरे पे अपर डायरेक्शन में लगाएं और अच्छे से अपनी नेक पे, जहाँ भी बहुत ज़्यादा टैनिंग है, अपने हैंड्स पे लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को पॉलिश भी करता है। इसको अच्छे से मोटा मोटा अपने चेहरे पे लगाना है, ठीक है। और उसके बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। अब इसमें अच्छे से आप इसको 10 से 15 मिनट बाद अच्छे से जब आपका सूख जाए तो आपको हल्के हल्के हाथों से अपर डायरेक्शन में इसको मसाज करते हुए ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। और उसके बाद 1 मिनट तक मसाज करने के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। इस फेस पैक को आप हफ्ते में 3 बार लगाएं और आप देखेंगे इंस्टेंट ग्लो आपको मिलेगा। और अगर आपको अच्छा ग्लो मिलेगा तो आप इसे बार बार लगाएंगे ताकि आपको इसके और भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। और अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं या किसी फंक्शन में जा रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाके घंटों बैठने का, तो आप इस DIY बहुत अच्छे जो इंस्टेंट ग्लो फेस पैक को जरूर ट्राई करना। आई होप मेरी आज की वीडियो मेरी YouTube फैमिली को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करना ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम से मिल सके। और बेल आइकन पे भी क्लिक करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसके आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए मिलती हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।